तो आजकल ना भिंडियाँ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट आ रही हैं, और जिन लोगों ने जो है लगाई रहती हैं अपनी खुद की क्यारी में, तो उनकी भिंडी तो और भी ज़्यादा फ्रेश और ताज़ी होती हैं। तो अभी बजे थे रात के 8 और हम लोग तैयारी कर रहे थे खाना बनाने की। तो आज हमने सोचा कि भिंडी की सब्जी बनाते हैं, और साथ ही साथ में जो हमने काजू कतली बनाई थी वो भी यहाँ पर ठंडे होने के लिए रखी हुई है। हालांकि वो रेसिपी सक्सेसफुल नहीं रही, तो यहाँ पर ना सोना चॉपर चलाने की जिद में कह रही थी कि मुझे इसमें चॉप करना है। तो वैसे तो मुझे भिंडी की सब्जी के लिए मैंने हमेशा कट करके ही प्याज टमाटर डाले हैं, बट सोना को यहाँ पर चॉपिंग करनी थी, वो भी चॉपर में। तो उसने जो है प्याज और टमाटर को इस चॉपर में चॉप कर लिया। और आज हम सब्जी काटने के लिए ना अंदर बैठे हुए हैं एसी में, क्योंकि किचन में बहुत भयंकर गर्मी हो रही थी। और इस वजह से जो है जब मैं रहती हूँ तो मैं तो किचन में ही कर लेती हूँ, लेकिन आज तो सोना साथ में थी और मैं नहीं चाह रही थी कि उसको इतनी ज़्यादा हीट लगे किचन में, उसको हेल्प करानी थी। तो इसलिए मैं अंदर ही बैठ गई यहाँ पर चॉपिंग करने के लिए, मतलब सब्जी काटने के लिए। चॉपिंग तो ये सोना कर रही थी चॉपर में, और इसको ना बहुत ज़्यादा शौक है, ऐसे कुछ भी काम हो हेल्प कराने की बहुत ज़्यादा शौक है। इनफैक्ट एक वीडियो में तो ये ऐसे हल्के से बर्तन वो कर रही थी, इसको बहुत ज़्यादा शौक है करने का ना। और इनफैक्ट उसमें एक कमेंट भी आया था कि आप इतनी छोटी सी बच्ची से काम कराते हो, तो मैं उससे कुछ भी काम नहीं कराती हूँ। छोटी छोटी लड़कियों को ना शौक होता है किचन का स्पेशली बहुत ज़्यादा, तो जो है इस वजह से, वरना ऐसे कुछ ही नहीं है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं इसने चॉप कर लिया है, और अब जो है ऐसी सब्जी मैं पहली बार बनाऊंगी इस तरीके से, जब मतलब बारीक मिक्सचर बना के प्याज टमाटर का ना। अब पता नहीं देखो कैसी बनेगी, वैसे तो मैं ऐसी बनाती नहीं हूँ भिंडी की सब्जी। और आप लोग मेरी वीडियोज़ को काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे रहे हो, जबकि मेरी वीडियो में इतना कुछ खास होता भी नहीं है, क्योंकि मुझे कुकिंग इतनी स्पेशल तरीके से नहीं आती है। मैं खुद रेसिपी देख के सीखती हूँ, और जो भी उसका रिज़ल्ट आता है आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन आप लोग इंटरेस्ट दिखा, उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, और आई होप कि आप आगे भी मेरी वीडियोस ऐसे ही देखते रहेंगे। जो कुछ भी होता है किचन से रिलेटेड, बच्चों के लंच बॉक्स से रिलेटेड, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि कुकिंग से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मुझे एडवाइस दे सकते हैं कि मुझे किस तरीके से करना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, किस चीज़ की रेसिपी बनानी चाहिए, बच्चों को लंच बॉक्स में क्या देना चाहिए। तो अब जो है इस ये देख सकते हैं इसकी ग्रेवी तो ऐसी बन गई जैसे किसी दाल में तड़का लग रहा होगा। और अब देखो कि भिंडी कैसे बनती है, पता नहीं भगवान ही जाने। अब मैंने इसमें जो है ये कटी हुई भिंडियाँ डाल दी, और मैं ना कई बार भिंडियों को बारीक कट करके बनाती हूँ, कई बार थोड़ा सा मोटी कट करके बनाती हूँ, कई बार चीरा लगा के बनाती हूँ। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जो है उसका लुक भी आता है और टेस्ट भी आता है, ये चीज़ तो है। भिंडी को आप जिस तरीके से बनाओ उसका जो टेस्ट है उसी तरीके से आता है। अब जो है यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा था कि थोड़ा सा भिंडी में जो है तेल कम लग रहा था, तो इसलिए मैंने ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दिया। और घी, ये जो घी है ये मेरी मम्मी ने बना रखा है, तो ये भैंस के दूध का घी है, और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। तो हम लोग गाय और भैंस दोनों चीज़ का जो है घी ले लेते हैं। जब मैं मार्केट से लेती हूँ तो गाय वाला लेती हूँ, पतंजलि वाला, और जब जो है इस तरीके से जब मम्मी वगैरह देती है तो फिर वो घी गाय भैंस का ही होता है। तो बस अब जो है सब्जी यहाँ पर बनने वाली है, और उसके बाद जो है रोटी वगैरह बनाते हैं। और जो है यहाँ पर जो है अभी मुझे एक चीज़ और बनानी थी, तो उस चीज़ के लिए भी मैं यहाँ पर टमाटर, प्याज और धनिया वगैरह चॉप कर रही हूँ। आई होप आपको ये आज की छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो बताना जरूर।